Hey guys, this is MD Samima, second fourth year student from Mindapur Medical College. In this video, I am going to talk about my exam day experience of NEET. तो मेरा ये वीडियो बनाने का पीछे का मकसद यही है कि ड्यूरिंग द एग्जाम अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए तो उसके साथ कैसे डील करना पड़े। तो फर्स्ट टॉक अबाउट द लास्ट नाइट बिफोर नीट एग्जामिनेशन। तो लास्ट नाइट में 10 बजे तक पढ़ाई किया, उसके बाद पढ़ाई रैप अप कर दिया एंड जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स था वो सब पैक किया एंड 11 o'clock में सोने गया। लेकिन नींद नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा टेंशन ले रहा था, स्ट्रेस में था कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट 2-3 साल में मैं जो पढ़ा था सब दिमाग में घूम रहा था, इसलिए नींद भी नहीं आ रहा था। लेकिन मैं सोने का कोशिश किया क्योंकि नींद अगर प्रॉपर नहीं होगा तो एग्ज़ाम में एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को हैम्पर कर सकता है। सो मैं प्रॉपर नींद लेने का कोशिश की एंड फाइनली 3 AM मेरा नींद आया एंड मैं सुबह लेट तक सोया रहा। अराउंड 11 o'clock में उठा क्योंकि मेरे पास एक एडवांटेज था कि मेरा जो सेंटर था वो नज़दीक ही था, अराउंड मेरे घर से 30 मिनट्स डिस्टेंस पे था। तो मैं लेट तक सोया रहा, उसके बाद मैं 11 o'clock उठा, फटाफट फ्रेशन अप हुआ, लाइट ब्रेकफास्ट लिया एंड उसके बाद मैं नमाज़ कंप्लीट किया एंड देन मैं निकल पड़ा। एंड मेरे साथ थे मेरे पेरेंट्स एंड मेरे कज़िन। उसके बाद हम लोग सेंटर पहुँचे अराउंड 12:30 के बाद मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे इंटर किया, अपना रोल नंबर देखा, क्लासरूम ढूंढा एंड अपने डेस्क पे जाके चुपचाप बैठ गए हम। एंड ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, थोड़ा काम एंड कंपोज रहने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आया, उसके साथ वेमा शीट भी आया। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जब भी मैं वेमा शीट भरने गया जो डेस्क था मेरा वो पूरा हिल रहा था, इतना हिल रहा था कि मैं लिख नहीं पा रहा था। मैं तुरंत गया एग्जामिनर के पास, उन्हें अपना प्रॉब्लम बताया हम, तो वो भी देखे कि हाँ ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो एग्जामिनर फटाफट आया, एक कारपेंटर एक लड़के को बुलाया, वो डेस्क ठीक कर रहा था, तब तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था तो मैं डेस्क पे एग्ज़ाम दे रहा था एंड वो लोग मेरा डेस्क ठीक कर रहा था। तो 5-7 मिनट में ये फिक्स हो गया। उसके बाद मैं टाइम देखने की कोशिश किया कि कितना टाइम वेस्ट हुआ देखते हैं, लेकिन मुझे टाइम भी नहीं दिख रहा था क्योंकि मैं क्लास में एकदम लास्ट में था एंड जो क्लॉक था वो वॉल पे था, तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि मेरा दूर का विजन थोड़ा कमज़ोर है एंड तब मैं स्पेक्स भी यूज़ नहीं करता था। तो ये 2 प्रॉब्लम मेरे सामने आया एंड उसी के साथ ग्लव्स एंड मास्क पहन के एकदम हालत ख़राब हो चुकी थी। तो सब मिला के टेंशन एकदम पिक पे चला गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। तो उसके बाद मैं अपने आप को थोड़ा काम एंड कंपोज करने की कोशिश किया, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश की, अपने आप से बात करना स्टार्ट किया कि देखो यार जितना भी ऑब्स्टकल्स आए अगर आप बाहर जाके किसी को बताओगे ना कि डेस्क हिल रहा था, टाइम दिख नहीं रहा था, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो कोई भी नहीं सुनेगा, सब बोलेगा कि यार एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ इसलिए बहाना मार रहा है। तो बेटर होगा कि जो मेरे हाथ में है क्वेश्चन पेपर है जितना हो सके मैं सॉल्व करूँ। सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप से बात कर रहा था कि यार तू तो घर पे 2.5 आवर पे एग्ज़ाम दे देता था, तो नो नीड टू वेस्ट टाइम। तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया एंड फिर से एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया। बस स्टार्ट किया बायोलॉजी से, बायोलॉजी फटाफट हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री उससे भी जल्दी हो गया एंड फिजिक्स के लिए मेरे पास प्रॉपर टाइम था, 1.5 आवर था। उसके बाद मैं फिजिक्स आराम से किया एंड मेरा प्रेपर टाइमली हो गया था एंड आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। उसके बाद मैं बाहर आया, पापा से मिला एंड मेरे कज़िन से मिला, वो लोग भी पूछे कि कैसा एग्ज़ाम हुआ, तो मैंने बोला कि हाँ हो गया अच्छा एंड सिलेक्शन शायद हो जाएगा। मैं फटाफट घर आया, उसके बाद मैं काउंट किया तो मेरा 580 बन रहा था एंड उसके एक महीने बाद जब रिजल्ट आया NTA की तरफ से तो उसमें भी 580 बन रहा था एंड आई गेट सेलेक्टेड इन मिदनापुर मेडिकल कॉलेज। तो ये पूरा था मेरा एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस ऑफ नीट 2020। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हो सकता है कि कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपके साथ भी हो जाए, तो तब आपको पैनिक नहीं करना है। अगर मैं तब पैनिक कर जाता, अगर मैं गिव अप कर देता तो मेरा सिलेक्शन आज नहीं होता। तो पैनिक नहीं करना है, हिम्मत बनाए रखना है। और एक बात, जो हिम्मत करता है खुदा भी उसी का हेल्प करता है एंड नेचर में भी एक रूल है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो, अगर आप किसी चीज़ में अपना एनर्जी डालते हो तो उसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव आता है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन।